नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत को साल 2007 का T20 और साल 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी आजकल क्रिकेट से दूर हैं। आज यानी 26 अक्टूबर को धोनी को क्रिकेट ग्राउंड में उतरे 108 दिन हो गए। इस दौरान वनडे और T20 के लिए 4 बार टीम सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन एक बार भी धोनी को टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट के जरिए अपना गुस्सा निकाला। लेकिन इसी ट्वीट पर एक शख्स ने राजनीति को घुसा दिया, जिस पर स्वामी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। दरअसल धोनी को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में नहीं चुना गया तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, धोनी के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो भारतीयों की जलन की भावना को दिखाता है, नमक हराम। स्वामी के इसी ट्वीट पर कृष्णा चौकीदार नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, जो लोग तर्क देते हैं कि धोनी को वापस आना चाहिए, ये वही लोग हैं जो ईवीएम पर बैलेट पेपर की वकालत करते हैं। ट्विटर यूजर कृष्णा ने जैसे ही धोनी के मुद्दे के बीच सियासत को घुसाया, सुब्रमण्यम स्वामी को गुस्सा आ गया और फिर पलटवार करते हुए कहा, बेवकूफ वो मैं ही था जो सुप्रीम कोर्ट गया, जिसके बाद ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्ची जारी करने का आदेश दिया गया। 2013 के SCC संस्करणों में प्रकाशित निर्णय पढ़ो। धोनी पर ट्वीट से शुरू हुई ये बहस ईवीएम और वीवीपैट पर जा पहुंची। तो आपको बता दें कि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी पर भी भड़क चुके हैं। इसी साल जनवरी में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ सख्त तेवर दिखाते हुए ट्वीट किया था। आज बीजेपी के नेता टीवी चैनलों पर बैठकर सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं, मेरा जिक्र तक नहीं किया जा रहा है, जबकि मैंने ही वीवीपैट का मुद्दा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। बता दें कि जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की थी। स्वामी ने ईवीएम मशीन के लिए वीवीपैट की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश P. सत्यशिवम ने सुब्रमण्यम स्वामी को धन्यवाद दिया था।